नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अपन ऑनलाइन क्लासेज में अभी जो टॉपिक चल रहा है वर्तमान में, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री, और राजस्थान हिस्ट्री में अपन पढ़ रहे हैं किसान आंदोलन। किसान आंदोलन के चरण में अपन देखा था, सबसे पहले अपना पढ़ा था बिजोलिया, उसके बाद में पढ़ा था बेंगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन और निमोचना किसान आंदोलन। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज अपन चलेंगे बीकानेर रियासत में। बीकानेर में जो किसान आंदोलन हुआ था उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज अपना जो टॉपिक रहेगा पूरेगा बीकानेर किसान आंदोलन। बीकानेर किसान आंदोलन, बीकानेर रियासत में अपन जो किसान आंदोलन हुआ उनके बारे में आज अपन दोस्तों चर्चा करेंगे। यहां पर क्या एक कर लिया जाता था आबियाना, पूछ ले कारण क्या था, कारण तो कारण था दोस्तों आबियाना कर। आबियाना कर, आबियाना कर क्या है तो ये दोस्तों है सिंचाई कर। सिंचाई पर जो कर लिया जाता था उसको बोला जाता था आबियाना कर। यहाँ पर क्या है पूछ रहे, इस आबियाना कर में क्या है, वही है उत्पादन तो होता था कम, उत्पादन तो कम थी लेकिन करों की मात्रा ज्यादा थी, इसलिए क्या सिंचाई सुविधा में दो नहरी क्षेत्र थे उस जमींदार संघ ने क्या इस आंदोलन को शुरू किया था। 1929 में पूछ रहे आंदोलन की शुरुआत, आंदोलन की शुरुआत तो दोस्तों आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है सन 1929 में। क्यों 1929 में यहाँ के जो किसान थे वो सिंचाई जो क्षेत्र था नहरी क्षेत्र था उसमें क्या जमींदार संघ ने ये आंदोलन शुरू किया था। इसी आबियाना कर से क्या सिंचाई कर भी लिया जाता था लेकिन पूर्ण मात्रा में जल इनको उपलब्ध नहीं होता था, इसलिए क्या इस आंदोलन को शुरू करने के लिए दोस्तों 19 अप्रैल 1929 को एक पार्टी बनाई गई, उसका नाम रखा गया जमींदार संघ। पार्टी का नाम क्या रखा गया है, जमींदार संघ। इस जमींदार संघ के पूछ ले अध्यक्ष, तो अध्यक्ष बनाया गया था दरबार सिंह। इस जमींदार संघ का जो अध्यक्ष बनाया गया वो किसको है, दरबार सिंह को। इस दरबार सिंह ने क्या है इस 19 अप्रैल को जो जमींदार संघ का गठन हुआ, अध्यक्ष बनाया गया था दरबार सिंह को, और कुछ एक दिनों पश्चात इस दरबार सिंह ने क्या 10 मई 1929 को एक मांग पत्र तैयार किया कि किसानों की क्या क्या मांगे हैं। इस समय अपन जो पढ़ रहे हैं दोस्तों 1929 में, इस समय बीकानेर का पूछ ले शासक, पूछ ले इस समय बीकानेर शासक तो दोस्तों बीकानेर शासक थे गंगा सिंह। बीकानेर शासक कौन है, गंगा सिंह। तो इस जमींदार संघ के अध्यक्ष दरबार सिंह इन लोगों ने मिलकर ये मांग पत्र तैयार किया, उस मांग पत्र को क्या गंगा सिंह के सामने पेश किया, लेकिन गंगा सिंह ने क्या इसमें से जो भी यहां पर जो मांगे प्रस्तुत की इनके सामने, मांगे प्रस्तुत लेकिन गंगा सिंह ने किसी भी मांग को स्वीकार नहीं किया। किसानों की जो भी मांगे थी उन किसी भी मांग पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। 1934 में क्या है, जाट किसानों ने यहाँ पर लगान देना बंद कर देंगे, जब यहाँ पर कोई मांग नहीं होगी स्वीकार, तो 1934 में जाट किसानों ने लगान देना बंद कर दिया था। 1934 में क्या है, जो भी लगान देते थे उन लगान देने किसानों ने कहा जब मांगे भी माननी नहीं जा रही है, करों की मात्रा ज्यादा है, तो अपन इस आंदोलन को व्यथावत करेंगे और चलाते रहेंगे। तो इस तरीके से क्या यह आंदोलन चलता रहा। कुछ ही समय पश्चात क्या है इसके 3 साल बाद 1937 में इस आंदोलन का और प्रसार हो जाएगा। बीकानेर के गांव है उदरासर, पूछ रहे वर्तमान में कहां पर है, बीकानेर। तो इस उदरासर बीकानेर में क्या है, यहाँ पर भी जब आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी और यहाँ पर पूछ रहे उदरासर में इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाला कौन है, तो उदरासर में इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले है जीवन चौधरी, क्योंकि जीवन चौधरी ने भी यहाँ पर क्या है जो 37 प्रकार की लाग भाग ली जाती थी, 37 प्रकार के कर थे, इन करों का इन्होंने क्या किया विरोध किया है। तो ये था अपना बीकानेर किसान आंदोलन की प्रारंभिक बातें। प्रारंभिक बातों में देखें तो कारण था आबियाना कर, जो सिंचाई कर था आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है 1929 है। 1929 में क्या 19 अप्रैल 1929 को जमींदार संघ का एक गठन हुआ, और जमींदार संघ के गठन में क्या है दरबार सिंह जो थे इनको अध्यक्ष बनाया गया, और 10 मई 1929 को ये मांग पत्र तैयार किया। उस समय बीकानेर के जो शासक हैं वो है गंगा सिंह, और गंगा सिंह के सामने ये मांगे रखी लेकिन किसी भी मांग को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। जब स्वीकार नहीं करेंगे 1934 में जो भी जाट किसान थे उन्होंने क्या है यहाँ पर लगान देना
बंद कर दिया। और जब लगान देना बंद कर दें उससे कुछ एक समय पश्चात आंदोलन का और विस्तार हुआ और ये आंदोलन पहुंच गया उदरासर तक। उदरासर कहां है वर्तमान में? बीकानेर में। यहां पर पूछ ले इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन है? जीवन चौधरी। क्योंकि जीवन चौधरी में यहां पर जो 37 प्रकार के जो राग बाग थी, जो कर थे, उन करों को लगाने का विरोध किया था। तो आंदोलन तो दोस्तों चल ही रहा है, इसी दौरान क्या एक घटना हो जाएगी। बीकानेर में एक जगह है रायसिंह नगर, रायसिंह नगर। पूछ ले रायसिंह नगर भी कहां पर है? बीकानेर। इस रायसिंह नगर बीकानेर में ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। रायसिंह नगर बीकानेर जो है उसमें 1 जुलाई 1946 तिथि पूछ ले, तो तिथि कब दोस्तों? 1 जुलाई 1946। यहां पर जब आंदोलन चल रहा था तो आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया, आंदोलन को कुचलने का प्रयास। और जब यहां पर आंदोलन को कुचलने का प्रयास करेगा तो यहां पर एक व्यक्ति शहीद हो जाएगा जिसका नाम था बीरबल। बीरबल नामक किसान शहीद। यहां पर जब गोलीबारी की जाएगी तो इस गोलीबारी में क्या, बीरबल नामक जो किसान था उसकी मृत्यु हो जाएगी। और जब मृत्यु हो जाएगी तो इसी मृत्यु के बाद में यहां पर क्या, इसी जगह पर 6 जुलाई 1946 को एक दिवस मनाया गया था दोस्तों। उस दिवस का नाम है किसान दिवस। पूछ ले क्या क्या नाम है किसान दिवस, या पूछ ले बीरबल दिवस कब मनाया गया? तो बीरबल दिवस मनाया गया था 6 जुलाई 1946। ये बीकानेर किसान आंदोलन का एक भाग है। जगह थी रायसिंह नगर बीकानेर, तिथि थी 1 जुलाई 1946। आंदोलन को कुचलने का प्रयास करेंगे और इसी दौरान क्या है, गोलीबारी में मृत्यु हो जाएगी बीरबल की। और एक किसान दिवस मनाया गया था 6 जुलाई 1946 को। यहाँ पर दोस्तों एक और भी क्वेश्चन पूछा था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ ले कांगड़ कांड, कांगड़ कांड का पूछ ले एक संबंध है। तो कांगड़ कांड का जो संबंध है वो भी है दोस्तों बीकानेर किसान आंदोलन से। पूछ ले कांगड़ कांड का संबंध किससे है? तो कांगड़ कांड का संबंध है बीकानेर किसान आंदोलन। पूछ ले कांगड़ है कहां पर वर्तमान में? तो कांगड़ है दोस्तों वर्तमान में रत्नगढ़। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कांगड़ कांड का संबंध किस प्रजामंडल से या किस रियासत से संबंध है? तो ये है दोस्तों बीकानेर रियासत। कांड क्या था यहाँ पर? कांड ये था जागीरदारों का अत्याचार थे, जागीरदारों का अत्याचार। जागीरदार जब यहाँ पर दोस्तों अत्याचार करेंगे तो इस स्थान पर क्या है, यहाँ पर लोग विरोध करना शुरू हो जाएंगे। और इस जागीरदार का अत्याचार इस तरीके से पहुंच गया था 1946 में किसानों की फसल हो जाएगी नष्ट, किसानों की फसल नष्ट। लेकिन किसानों की फसल नष्ट होने के बावजूद भी यहाँ पर क्या है कि जब किसान मांग करेंगे तो इनके करों को माफ नहीं किया जाएगा। और जब लगातार ये इस आंदोलन को चलाते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है कि जब ये होगी तो इस समय बीकानेर का जो शासक है उस शासक से मिलने हेतु 35 जो किसान है, 35 किसानों ने शासक से मुलाकात की, शासक से मुलाकात की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसानों के साथ महिलाओं पर भी अत्याचार हुए थे, महिलाओं पर भी अत्याचार। और जब यहाँ पर शासक से मुलाकात होगी तो कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या सुधार की गुंजाइश होगी। और 1948 में क्या है, उत्तरदायी शासन की स्थापना हो जाएगी। 1948 में उत्तरदायी शासन की स्थापना। पूछ ले यहाँ पर उत्तरदायी शासन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी 1948। तो पूछ ले बीरबल दिवस या बीरबल दिवस की घटना के संबंध है कहाँ से? रायसिंह नगर बीकानेर। और कांगड़ कांड का संबंध भी वो भी किस आंदोलन से है दोस्तों? बीकानेर किसान आंदोलन। तो ये आज अपन ने पढ़ा दोस्तों बीकानेर किसान आंदोलन। इसी का एक छोटा सा भाग और है जिसमें पढ़ेंगे दूध व खारा किसान आंदोलन जो चूरू में स्थित था। वहां पर क्या है, मग्गाराम वेद और हनुमान सिंह ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे दोस्तों अगले वीडियो। धन्यवाद।